अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो गुजरात में जो है 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा है नॉर्थ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें साउथ गुजरात की, उसमें बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादानगर, हवेली शामिल है, जहां पर रेड अलर्ट के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में पंचमहल जो है जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, यहाँ पे भी एक्सट्रीमली रेनफॉल की संभावना है। बाकी साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में जो है वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना देखने को बन रही है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में महिसागर, दाहोद, ये भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। और सौराष्ट्र की बात करें तो उसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर है, जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। बाकी सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों में जो है रेनफॉल विद येलो अलर्ट दिया गया है। कच्छ में जो है किसी भी तरह की वार्निंग नहीं है। नॉर्थ गुजरात के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट के साथ हैवी रेनफॉल की वार्निंग जो है दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें डे टू के लिए जो अगर हम देखें तो साउथ गुजरात के कुछ हिस्से हैं जिसमें सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरानगर हवेली है, जहाँ पे वेरी हैवी रेन हो सकता है। और बाकी जो गुजरात के नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात के सभी हिस्सों में हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल विद येलो अलर्ट दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है गिर सोमनाथ, अमरेली तथा भावनगर है, जहाँ पे हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल देखने को मिल सकता है। यही संभावना जो है अगले तीसरे दिन भी जो है बनी रहेगी सेम सिचुएशन। चौथे दिन जो है रेनफॉल और कम होगा, जिसमें से हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल देखने को मिलेगा नॉर्थ गुजरात तथा साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में, जिसमें साबरकांठा और अरावली, महिसागर तथा साउथ गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरानगर हवेली शामिल है। सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ, अमरेली तथा भावनगर शामिल है। और यही सिचुएशन पांचवें दिन भी रहेगी, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट और एड हो जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर तथा खेड़ा जो है और आनंद जो है, ये डिस्ट्रिक्ट में भी जो है हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है पांचवें दिन। सो अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम और कैसा रहा रेनफॉल, उसमें सबसे अधिकतम रेनफॉल जो है आनंद में दर्ज किया गया, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जिसमें 354 mm रेनफॉल दर्ज किया गया 24 घंटों में। और बड़ौदा में भी एक्सट्रीमली रेनफॉल दर्ज किया गया 320 mm। साथ ही जो है गुजरात, साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में वेरी हैवी से हैवी रेन दर्ज किया गया कई हिस्सों में। साथ ही नॉर्थ गुजरात में गांधीनगर में भी वेरी हैवी रेन दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में कोई भी हैवी रेन दर्ज नहीं किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में सबसे अधिकतम रेनफॉल जो है वो 37 mm दर्ज किया गया। साथ ही हम बात करें वार्निंग्स की, सो उसमें जो है अगले तीन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग जो है पूरे रीजन में दी गई है। साथ ही फिशरमैन वार्निंग अगले चार दिनों के लिए दी गई, जिसमें हवाएं 30 से 35 नॉट्स के बीच रहने की संभावना है। साथ ही सी जो है वेरी रफ टू रफ बना रहे। हाँ, अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये जो रेनफॉल देखने को मिल रहा है ये मुख्य तौर पे जो है ऑफशोर ट्रफ है, जो साउथ गुजरात से नॉर्थ केरला कोस्ट तक जो है रनिंग है, जिसमें साउथ गुजरात में जो है हमें एक्सट्रीमली रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और एक शियर जोन है जो 22 डिग्री नॉर्थ के अलोंग जो है रफली जो है रन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है आज जो एक्सट्रीमली रेनफॉल दिया गया है सेंट्रल गुजरात में, वो उसका कारण देखने को बन सकता है। साथ ही बात करें सीजनल रेनफॉल की, सो पूरे सीजन का अभी तक गुजरात स्टेट में 28% जो है नॉर्मल से अधिक बारिश दर्ज की गई है। और अगर हम जोन वाइज बात करें गुजरात रीजन में अभी भी जो है 1% जो है कम रेन है नॉर्मल से, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है पूरी हो जाए। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है नॉर्मल से 65% जो है अत्यधिक बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो गुजरात में जो है 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा है नॉर्थ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें साउथ गुजरात की, उसमें बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादानगर हवेली शामिल है, जहाँ पे रेड अलर्ट के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में पंचमहल जो है जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, जहाँ पे भी एक्सट्रीमली रेनफॉल की संभावना है। बाकी साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में जो है वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना देखने को बन रही है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में महिसागर, दाहोद, ये भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। और सौराष्ट्र की बात करें तो उसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर है, जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। बाकी सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों में जो है रेनफॉल विद येलो अलर्ट दिया गया है। कच्छ में जो है किसी भी तरह की वार्निंग नहीं है। नॉर्थ गुजरात के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट के साथ हैवी रेनफॉल की वार्निंग जो है दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें डे टू के लिए जो अगर हम देखें तो साउथ गुजरात के कुछ हिस्से हैं जिसमें सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरानगर हवेली है, जहाँ पे वेरी हैवी रेन हो सकता है। और बाकी जो गुजरात के नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात के सभी हिस्सों में हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल विद येलो अलर्ट दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है गिर सोमनाथ, अमरेली तथा भावनगर है, जहाँ पे
हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल देखने को मिल सकता है। यही संभावना जो है अगले तीसरे दिन भी जो है बनी रहेगी सेम सिचुएशन। चौथे दिन जो है रेनफॉल और कम होगा, जिसमें से हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल देखने को मिलेगा नॉर्थ गुजरात तथा साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में, जिसमें साबरकांठा और अरावली महिसागर तथा साउथ गुजरात में भरूच सूरत नवसारी वलसाड दमन दादरानगर हवेली शामिल है। सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ अमरेली तथा भावनगर शामिल है। और यही सिचुएशन पांचवें दिन भी रहेगी, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट और एड हो जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद गांधीनगर तथा खेड़ा जो है और आनंद जो है ये डिस्ट्रिक्ट में भी जो हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है पांचवें दिन। सो अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम और कैसा रहा रेनफॉल, उसमें सबसे अधिकतम रेनफॉल जो है आनंद में दर्ज किया गया, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जिसमें 354 mm रेनफॉल दर्ज किया गया 24 घंटों में। और बड़ोदरा में भी एक्सट्रीमली रेनफॉल दर्ज किया गया 320 mm। साथ ही जो है गुजरात साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में वेरी हैवी से हैवी रेन दर्ज किया गया कई हिस्सों में। साथ ही नॉर्थ गुजरात में गांधीनगर में भी वेरी हैवी रेन दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में कोई भी हैवी रेन दर्ज नहीं किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में सबसे अधिकतम रेनफॉल जो है वो 12 mm 37 mm दर्ज किया गया। साथ ही हम बात करें वार्निंग्स की, सो उसमें जो है अगले तीन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग जो है पूरे रीजन में दी गई है। साथ ही फिशरमैन वार्निंग अगले चार दिनों के लिए दी गई, जिसमें हवाएं 30 से 35 नॉट्स के बीच रहने की संभावना है। साथ ही सी जो है वेरी रफ टू रफ बना रहे। हाँ, अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये जो रेनफॉल देखने को मिल रहा है ये मुख्य तौर पे जो है ऑफशोर ट्रफ है, जो साउथ गुजरात से नॉर्थ केरला कोस्ट तक जो है रनिंग है, जिसमें साउथ गुजरात में जो है हमें एक्सट्रीमली रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और एक शियर जोन है जो 22 डिग्री नॉर्थ के अलोंग जो है रफली जो है रन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है आज जो एक्सट्रीमली रेनफॉल दिया गया है सेंट्रल गुजरात में, वो उसका कारण देखने को बन सकता है। साथ ही बात करें सीजनल रेनफॉल की, सो पूरे सीजन का अभी तक गुजरात स्टेट में 28% जो है नॉर्मल से अधिक बारिश दर्ज की गई है। और अगर हम जोन वाइज बात करें गुजरात रीजन में अभी भी जो है 1% जो है कम रेन है नॉर्मल से, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है पूरी हो जाए। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है नॉर्मल से 65% जो है अत्यधिक बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो गुजरात में जो है 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा नॉर्थ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें साउथ गुजरात की, उसमें बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादानगर, हवेली शामिल है, जहां पर रेड अलर्ट के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में पंचमहल जो है जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, जहां पर भी एक्सट्रीमली रेनफॉल की संभावना है। बाकी साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में जो है वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना देखने को बन रही है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में महिसागर, दाहोद ये भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। और सौराष्ट्र की बात करें तो उसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर है, जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। बाकी सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों में जो है हैवी एक्सट्रीमली रेनफॉल विद येलो अलर्ट दिया गया है। कच्छ में जो है किसी भी तरह की वार्निंग नहीं है। नॉर्थ गुजरात के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट के साथ हैवी रेनफॉल की वार्निंग जो है दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें डे टू के लिए जो अगर हम देखें तो साउथ गुजरात के कुछ हिस्से हैं जिसमें सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरानगर हवेली है, जहां पे वेरी हैवी रेन हो सकता है। और बाकी जो गुजरात के नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात के सभी हिस्सों में हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल विद येलो अलर्ट दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है गिर सोमनाथ, अमरेली तथा भावनगर है, जहां पे हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल देखने को मिल सकता है। यही संभावना जो है अगले तीसरे दिन भी जो है बनी रहेगी सेम सिचुएशन। चौथे दिन जो है रेनफॉल और कम होगा, जिसमें से हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल देखने को मिलेगा नॉर्थ गुजरात तथा साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में, जिसमें साबरकांठा और अरावली महिसागर तथा साउथ गुजरात में भरूच सूरत नवसारी वलसाड दमन दादरानगर हवेली शामिल है। सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ अमरेली तथा भावनगर शामिल है। और यही सिचुएशन पांचवें दिन भी रहेगी, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट और एड हो जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर तथा खेड़ा जो है और आनंद जो है ये डिस्ट्रिक्ट में भी जो हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है पांचवें दिन। सो अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम और कैसा रहा रेनफॉल, उसमें सबसे अधिकतम रेनफॉल जो है आनंद में दर्ज किया गया, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जिसमें 354 mm रेनफॉल दर्ज किया गया 24 घंटों में। और बड़ोदरा में भी एक्सट्रीमली रेनफॉल दर्ज किया गया 320 mm। साथ ही जो है गुजरात साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में वेरी हैवी से हैवी रेन दर्ज किया गया कई हिस्सों में। साथ ही नॉर्थ गुजरात में गांधीनगर में भी वेरी हैवी रेन दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में कोई भी हैवी रेन दर्ज नहीं किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में सबसे अधिकतम रेनफॉल जो है वो 12 mm 37
mm दर्ज किया गया है। साथ ही हम बात करें वार्निंग्स की, सो उसमें जो है अगले 3 दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग जो है पूरे रीजन में दी गई है। साथ ही फिशरमैन वार्निंग अगले 4 दिनों के लिए दी गई, इसमें हवाएं 30 से 35 नॉट्स के बीच रहने की संभावना है। साथ ही सी जो है वेरी रफ टू रफ बना रहे हैं। हाँ, अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये जो रेनफॉल देखने को मिल रहा है ये मुख्य तौर पे जो है ऑफशोर ट्रफ है, जो साउथ गुजरात से नॉर्थ केरला कोस्ट तक जो है रनिंग है, जिसमें साउथ गुजरात में जो है हमें सिमिलर रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और एक शियर जोन है जो 22 डिग्री नॉर्थ के लॉन्ग जो है रफली जो है रन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है आज जो सिमिलर रेनफॉल दिया गया है सेंट्रल गुजरात में, वो उसका कारण देखने को बन सकता है। साथ ही बात करें सीजनल रेनफॉल की, सो पूरे सीजन का अभी तक गुजरात स्टेट में 28% जो है नॉर्मल से अधिक बारिश दर्ज की गई है। और अगर हम जोन वाइज बात करें, गुजरात रीजन में अभी भी जो है 1% जो है कम रेन है नॉर्मल से, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है पूरी हो जाए। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है नॉर्मल से 65% जो है अत्यधिक बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है।